आइए दोस्तों, अब देखते हैं आज के भास्कर कैसे विजय को नई आउटलेट खोलने की ट्रेनिंग देते हैं और एक्सप्लेन करते हैं सुबह डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर। मैंने विजय के साथ 2 हफ्ते पहले काम किया था। उस दिन उसने आउटलेट चेक की इम्पोर्टेंस समझी थी और उसे प्रैक्टिस भी किया था। उसे भी मुझे रिव्यू करना है, और जो मैंने डेटा देखा था और विजय से डिस्कस किया था कि उसकी भी मार्केट में मुझे नई दुकानें खोलनी है। विजय कोशिश तो कर रहा है पर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आज मैं विजय को मार्केट में इसी पर कोच करूँगा। हेलो सर। हेलो विजय, बैठो। थैंक यू सर। विजय, आज मार्केट में जाने से पहले पूरे दिन की प्लानिंग कर लें। ठीक है सर। अच्छा, पिछली मार्केट वर्किंग के बाद हमने क्या एग्री किया था? सर, आपने मुझे स्टॉक चेक करने के तरीके और फायदे समझाए थे, और विजय वे ऑफ सेलिंग में आपने मुझे समझाया था कि स्टॉक चेक और हाउसकीपिंग से कैसे हम रिटेलर को सही क्वांटिटी की सलाह दे सकते हैं और उससे अपनी कॉल को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। बिल्कुल सही। आपने इसे प्रैक्टिस किया? हाँ सर, मैंने इसे प्रैक्टिस भी किया है। ये देखिए, आरसी बुक में मैंने इसे रिकॉर्ड भी किया है। वेरी गुड, आपने सही प्रैक्टिस किया। कीप इट अप। कोई मुश्किल है या आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं सर, कुछ दुकानों ने मना किया है पर मुझे विश्वास है कि मेरे बार बार पूछने पर वो ये ज़रूर समझेंगे कि इसमें उनका फ़ायदा है और वो मुझे परमिशन दे देंगे। विजय, मुझे भी पूरा विश्वास है। अच्छा, आपको याद होगा कि महीने के शुरू में जब हम प्लान कर रहे थे तो आपके एरिया में हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सोची थी। हाँ हाँ, मुझे अपनी मार्केट में नई दुकानें ढूंढनी है और मेरा टारगेट है 12 नई दुकानें। बिल्कुल सही, पर अभी तक आपसे एक ही नई दुकान खुली है, क्या परेशानी आ रही है? सर, मैंने कॉल तो 5 दुकानों में किया था पर एक ने ही खरीदा, बाकी सबने लेने से इनकार कर दिया। और सर, मेरे अपने एरिया में ऐसी कोई दुकान ही नहीं है जिसे मैंने कवर नहीं किया। और फिर आप तो जानते ही हैं कि मैं अपने काम में कितना सिंसेयर हूँ। विजय, ये तो बहुत सही बात है कि आप अपना काम पूरी सिंसेरिटी से करते हैं, पर क्या आपको मालूम है कि इस शहर में FMCG की 15,000 दुकानें हैं और हम केवल 2,800 दुकानें करते हैं? हाँ, इतनी कम? हाँ, और मैंने और कंपनियों का भी डेटा देखा है, वो लोग इस एरिया में 460 दुकानें करते हैं और हम केवल 280 दुकानें करते हैं। लेकिन सर, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि इतनी सारी दुकानें हैं। और सर, अगर दूसरी कंपनियां करती रही हैं तो हमें भी और नई दुकानें ढूंढनी चाहिए। हाँ, ये सही है। इसका मतलब सबसे पहले हम ये माने कि ऐसी बहुत सी दुकानें हैं जो हम कवर नहीं करते। सर, एक बात है, मैं जब मार्केट में जाता हूँ तो केवल मेन रोड की दुकानें ही कवर करता हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी दुकानें